आखिर कैसे ये अद्भुत लकड़ी से बना स्कल्पचर खुद ब खुद चल रहा है, इसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी अजूबे से कम नहीं। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बच्चा जिसके पास ऐसी पावर है कि वो बिना छुए आपका मोबाइल को हैक कर सकता है। और एक ऐसा गांव जहां दो लड़कियां एक दूसरे से शादी करती हैं। और ये इंसान पानी पे आखिर कैसे दौड़ रहा है, अगले 5 मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने हवा से चलने वाले जहाजों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इन्हें देखो, लकड़ी से बना ये हवा से चलने वाले स्कल्पचर्स जो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। इन स्कल्पचर्स को देखने से ऐसा लगता है कि ये आर्ट और इंजीनियरिंग के फ्यूजन से बने हैं। एक स्कल्पचर को ऐसा बनाना कि थोड़ा भी हवा चलने पर पूरा का पूरा स्कल्पचर एक बड़े से जानवर की तरह चलने लगा, सच में ये बहुत से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिलिए थियो जेंसन से, जिन्होंने इस अद्भुत चीज को बनाया है। इनका मानना है कि इंजीनियरिंग और आर्ट्स के बीच की दीवार सिर्फ हमारे मन में है। इन्होंने इतने अद्भुत स्कल्पचर सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया कि इंजीनियरिंग और आर्ट्स के बीच कोई दीवार नहीं है, और जब इंजीनियरिंग और आर्ट्स एक साथ काम करता है तो ये जादू होता है। थियो जेंसन ने कहा कि वो भविष्य में इन स्कल्पचर्स में ऐसे बदलाव करेंगे कि ये स्कल्पचर खुद ब खुद अपना रास्ता चेंज करके खुद को पत्थर या किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल से बचा पाएंगे। इस मजेदार और अद्भुत चीज के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, क्या किसी बच्चे में ऐसी पावर हो सकती है कि जिससे वो बिना कोई बटन दबाए आपके मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दे? दूसरे शब्दों में कहें तो उस बच्चे के हाथ लगते ही आपका मोबाइल पूरी तरह से रीसेट हो जाए, यानी फोन में मौजूद फोटोज, वीडियोस, कॉन्टेक्ट्स और बाकी सभी चीजें डिलीट हो जाएं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई फिल्म की कहानी या कोई मुंह बनाई कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले 14 साल के लड़के अस्तित्व के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अस्तित्व जैसे ही किसी मोबाइल को टच करता है, वो मोबाइल कुछ ही देर में खुद रीसेट हो जाता है। लोग हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या अस्तित्व के शरीर में कोई ऐसा रेडिएशन है जो किसी भी मोबाइल को रीसेट कर देता है? कोई भी इसको नहीं समझ सका, लेकिन आप जरूर बताना कि आखिर अस्तित्व के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो एक शेयर जरूर करें। नंबर 3, दोस्तों अगर शादी में दूल्हा या फिर दुल्हन न आए तो उसको शायद शादी को शादी ही नहीं माना जाता। लेकिन भारत के गुजरात में ही 3 ऐसे गांव हैं जहां शादी बिना दूल्हे के होती है। इन गांव में शादी के वक्त दूल्हा अपने घर पे रहता है और दूल्हे की जगह दूल्हे की बहन दुल्हन के साथ सारी रस्में निभाती है और शादी करके लड़की को घर लाती है। इस गांव का नाम है सुरखेड़ा, नदासा और अम्बल। ये सभी गाँव गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में मौजूद है। क्या आप भी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन गाँव में जाकर शादी कर सकते हैं। नंबर 4, भारत का मजाक उड़ाने के लिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि आपके देश में औरतें हाथ क्यों नहीं मिलाती। इस पर बहुत शांत स्वभाव के साथ उन्होंने अंग्रेज से कहा कि क्या आपके देश का कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? तो अंग्रेज ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश के सभी औरतें महारानी हैं और इसलिए उनसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। दोस्तों, इसे बोलते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। नंबर 5, अगर हमारी पैरों की जो एड़ी है उसकी बात की जाए तो वहाँ की जो स्किन होती है वो पूरे बॉडी की सबसे मोटी स्किन होती है। अभी आप एक बार टच करके भी देख सकते हो कि हमारे एडी की जो स्किन होती है वो कितनी मोटी सी होती है। और वहीं अगर हमारे आँख की पपड़ी की बात की जाए तो हमारे आँख की पपड़ी जिस स्किन से जुड़ी होती है वो हमारे पूरे बॉडी की सबसे पतली स्किन होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ 0.5 mm मोटी होती है, 1 cm में 10 mm होते हैं। और हमारी पलकें जिस स्किन से जुड़ी है वो सिर्फ 0.5 mm मोटी, यानी कि 1 mm की भी आधी मोटी होती है। और हमारी एडी की स्किन लगभग 4 mm होती है। That's really awesome. नंबर 6, चीन एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया को वीडियो गेम खिलवाना चाहता है लेकिन अपने खुद के देश के बच्चों को वीडियो गेम नहीं खेलने देता। अगस्त 2021 में चीन ने अपने देश में एक ऐसा रूल जारी किया जिसके मुताबिक चीन का कोई भी 18 साल से कम उम्र वाला बच्चा या बच्ची हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल सकता। बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और संडे के दिन रात 8 बजे से 9 बजे तक गेम खेलने की इजाजत है और इसके अलावा वो कभी भी वीडियो गेम नहीं खेल सकते। वैसे अगर इंडिया में ये रूल लागू हो जाए तो शायद कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाए, लेकिन आप जरूर बताना कि ये रूल इंडिया में आना चाहिए या नहीं। नंबर 7, ये क्या हो रहा है, आखिर स्विट्जरलैंड के लोग जमीन में अंडरवियर क्यों गाड़ रहे हैं? स्विट्जरलैंड में लोग 2000 से भी ज्यादा अंडरवियर जमीन में गाड़ चुके हैं। इस अजीब से काम के पीछे की वजह बिल्कुल दिलचस्प है। असल में वो लोग अंडरवियर को जमीन में गाड़ कर ये पता करते हैं कि आखिर जमीन कितनी उपजाऊ है। जमीन के अंदर गड़े रहने पर अंडरवियर को बहुत सारे कीटाणु और बैक्टीरिया खा लेते हैं और अंडरवियर जितना ज्यादा फटा
बेटा बाहर निकलता है, इसका मतलब है कि जमीन में उतने ज्यादा कीटाणु हैं, और जमीन में जितने ज्यादा कीटाणु होते हैं इसका मतलब कि जमीन उतनी ही ज्यादा उपजाऊ है। इस तरीके से बहुत आसानी से पता भी चल जाता है कि जमीन उपजाऊ है या नहीं, और ज्यादा पैसे भी लगते हैं। नंबर 8, मिलिए शर्ली लियांग से, एक ऐसे साधु जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। 3 साल पहले पानी के ऊपर 124 मीटर दौड़कर उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये चीन के गुआंगझोउ शहर के शाओलिन टेंपल में रहते हैं। जब इन्होंने पहली बार पानी पर दौड़ने की कोशिश की तो वो 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाए और आधे रास्ते में ही गिर गए। पानी के ऊपर ऐसे रास्ता बनाकर दौड़ना बेशक आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए पैरों की ताकत, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, पैर की उंगलियों की ताकत, मेंटल एबिलिटी, स्पीड और सभी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शर्ली लियांग जी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया था, इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। उनके पास अपने शाओलिन टेंपल में बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी रखवाली करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ताकि वो फेमस हो जाएं और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क शर्ली लियांग के इस बेहतरीन काम पे आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।